असेंबली का इजलास कब होगा तारीख सामने ना आ सकी। सदर मुमलिकत ने अभी तक कौमी असेंबली इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत ना किए। सदर मुमलिकत का मौकफ है, कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूँ। आईन के तहत कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। नून लीग के इसहाक डार कहते हैं आईनी तौर पर 21 रोज में स्पीकर इजलास बुला सकता है। सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। पंजाब में किस किस को वजारत मिलेगी, 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी। नून लीग को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 वजारतें मिलेंगी। एक वजीर आईपीपी से भी लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी को वजारत मिलने का इम्कान। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन भी काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के अवैस कादर शाह स्पीकर, एंटोनी नवीद डेप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर ने 111-111 वोट हासिल किए। एमक्यूएम की सोफिया सईद और राशिद खान को 36-36 वोट मिले। 147 अरकान ने वोट कास्ट किया, एक वोट भी मुस्तरद ना हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल। अयाज सादिक नून लीग की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। रहनुमा नून लीग का कहना है कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 के करीब होंगे। हुकूमत में शामिल हों या ऑपोजिशन में बैठे, एमक्यूएम राबता कमेटी का मुशावरती इजलास। उसूली मौकफ नहीं माना जाता तो ऑपोजिशन बेहतर है, अरकान की राय। कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखना, आईनी तरमीम मुत्तहिदा का उसूली मौकफ। नवाज शरीफ की मुदब्बिराना कयादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ का दौर तरक्की और खुशहाली का सुनहरी दौर था। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए की बचत करके नया रिकॉर्ड कायम किया। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। पंजाब से यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी, असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा कराए। सिंध से हलीम आदिल शेख और खामिन बख्श गुलाम की क्यादत में 2 पैनल्स के कागजात जमा। और बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, गवादर, ज्यारत समेत बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। उधर मलका कौसार मरी में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई।